हेलो एवरीवन सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉडेनो फिल कू डे इज वीडियो आई एल बी टेलिंग यू अबाउट द जनरल कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ लाइकन तो आज की वीडियो में हम लोग लाइक के जनरल कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने 15 टू 16 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं अबाउट दियर कैरेक्टरस्टिक्स एड विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल तो अगर आपको लाइकस से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप अंडर द सेक्शन प्लेलिस्ट जाकर लाइकन्स प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं वहाँ पे मैंने इसकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अपलोड की अबाउट देयर रिप्रोडक्शन एंड देयर थैलस स्ट्रक्चर एंड मेनी मोर अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैंने लाइकन्स के अंदर जो चीज़ मैंशन की है वो है उसका जनरल इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन जब आप बोलते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइक की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं लाइकनोलॉजी ये जो लाइगेनोलॉजी है इनके जो फादर है उनका नाम है एरे कराकियस ठीक है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि लाइगनोलॉजी की जो ऑल ओवर लाइकनोलॉजी है पूरे वर्ल्ड की उसके फादर है एरिकाकिस ये वॉज द स्टूडेंट ऑफ लीनस कैरल जिनका आपने नाम सुना होगा काफी टिक्सोनॉमी के अंदर उसके बाद से जो फादर ऑफ इंडियन लाइकनोलॉजी है उनका नाम है डीडी अवस्थी डीडी अवस्थी की फुल फॉर्म है यहाँ पे धारणीदार अवस्थी तो ये जो है जनरली उत्तराखंड के ही थे तो जनरली इन्होंने क्या किया कि लाइक के फील्ड में बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो फादर ऑफ इंडियन लाइकोलॉजी है डीडी अवस्थी एंड द फादर ऑफ ऑल ओवर लाइकनोलॉजी इज नोन एज एरिक आफ्टर दिस हैव रिटन अबाउट द जनरल डेफिनेशन ऑफ लाइकंस तो क्या डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मैंशन की है दैट लाइकन इज एन एसोसिएशन ऑफ माइकोबाओं एंड रिजल्टिंग इन अ स्टेबल थैलस विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है दैट लाइकन्स क्या होते हैं

फाइकोलॉजी वर्ड सुना होगा ना अपनी एलगी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं तो फाइकोबाय मतलब एलगल लाइफ की स्टडी और माइकोबायोन मतलब फंगल लाइफ की स्टडी तो मतलब कि जब एलगी और जाए आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से एक स्टेबल थैलस बनता है उस थैलस को बोलते हैं लाइकन अब यहाँ पे जो फाइकोबायोंट है ये लेटिन वर्ड है और जो माइको है वो जनरली क्या है ग्रीक वर्ड है ठीक है तो फाइको मतलब होता है एल्गी और बायोट मतलब होता है लाइफ सिमिलरली ग्रीक वर्ड माइको मतलब होता है फंगल और बायोट मतलब होता है लाइफ ठीक है तो ये चीज समझ में आई नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ द लाइकेंस तो लाइकन्स का कैसा करता है सबसे पहले ये पेरिनियल होते हैं दे आर फाउंड इन क्लीन एंड एवेंडोन रीजन एबेंडोन रीजन मतलब कि ऐसे रीजन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है एक तरीके से बोलेंगे तो जहां लाइफ की अभी शुरुआत हो रही है राइट स्पेशली इन बेयर रॉक ट्री बार्क एंड द वुडन लॉक्स नाउ वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक तो अगर लाइक के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहेंगे तो जनरली क्या है यहाँ पे फोर हंड्रेड जेनेरा देखने को मिलते हैं और सिक्सटीन हंड्रेड स्पीसीज देखने को मिलती है नेक्स्ट वी हैव द स्पीसीज ऑफ लाइकन देखो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो लाइकन्स होते तो हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैंने टाइप ऑफ लाइकन्स पे भी वीडियो बनाई है आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलते हैं तो यहाँ पे चार टाइप के लाइकन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं वी हैव द लिग्निकोलस सेक्सीकोलस कॉर्टिकोलस एंड टेरिकोलस लिग्निकोलस मतलब ऐसे लाइकन्स uh, जो कि वुड पे ग्रो करते हैं फॉर एग्जाम्पल सिफेलियम सेक्सिकोलिस लाइकन्स हो जाते हैं जो कि रॉक्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट पे ग्रो करते हैं इसका एग्जाम्पल आप लोग रेंजीफेरा लिख सकते हो क्लेडोनिया रेंजीफेरा नाम है पूरा उसका तो जो क्लेडोनिया रेंजीफेरा वो जनरली कोल्ड क्लाइमेट के रॉक्स पे ज्यादातर ग्रो करना पसंद करते हैं ठीक है देन वी हैव दॉटिकोलस कॉटिकोलस मतलब जो की बार्क पे ग्रो करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव दूसनिया ठीक है एंड इन केस ऑफ टेरिकोलस ऐसे लाइकेंस जो की सॉइल ऑफ हॉट क्लाइमेट पे ग्रो करना पसंद करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाता है क्लेडोनिया नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेंशन कर सकते हैं वो होता है कंपोनेंट ऑफ लाइकन तो आप चाहो तो इन दोनों को सेपरेट मेंशन कर सकते हो मैंने जस्ट एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है ताकि इजीली आप एग्जाम में इसको रिमेंबर कर सकें तो जनरली जो कंपोनेंट होते हैं लाइकन के वो दो टाइप के होते हैं एक होता है माइकोबायट और एक होता है फाइकोबायंट जो माइकोबाओंट है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो फंगल कंपोनेंट होता है जो फाइकोबाओंट होता है वो ऑलरे हमें पता है कि वो एल्गल कंपोनेंट होता है तो देखो यहां मैंने लिखा कि माइकोबायोन दो टाइप की यानी कि दो क्लासेस लाइकंस बनाने में इन्वॉल्व होती है एक होती है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर और एक होता है बेसिडियो के मेंबर लेकिन 98 एट परसेंट लाइक ऐसे हैं जहां पे एस्कोमाइसिटीज के मेंबर क्या सॉरी बेसिडियो के मेंबर क्या होते हैं वो फंगल कॉम्पोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ओनली टू परसेंट लाइक आर दिया जहाँ पे फंगल कॉम्पोनेंट होता है वो किसका मेंबर होता है एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है तो ये चीज समझ में आई आपको इसका मतलब क्या है कि जनरली जब हम माइकोबायोन यानी कि फंगस कंपोनेंट की बात करते हैं एलगी के थैलस के अंदर ऑफ लाइकन तो वहां पे क्या होता है कि 98 परसेंट चांसेस होते हैं कि जो फंगल कंपोनेंट होगा वो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होगा एंड ओनली 2 परसेंट चांसेस होंगे कि वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा और अगर फाइकोबायोन के बारे में कहेंगे तो फाइकोबायोन जो होता है यानी कि एल्गल कॉम्पोनेंट वहां पर क्या होता है कि 75% परसेंट होते हैं कि जो मेंबर है वो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एलगी का मेंबर होगा फॉर एग्जांपल क्लेडोफोरा और ओनली 25% परसेंट चांसेस होते हैं कि वो किसका मेंबर होगा ब्लू ग्रीन एलगी या फिर मिक्सोफाइसी क्लास का मेंबर होगा राइट फॉर एग्जांपल यू कैन से नॉस्टॉक एन एनाबीना तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा फंगल कॉम्पोनेट या तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर मेंबर होता होता है या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है और जो एल्गल कॉम्पोनेट होता है वो या तो ग्रीन जो एल्गी होते हैं उसका मेंबर होता है या फिर वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गीज होती है है उसका मेंबर देखा जाता देन आफ्टर दिस वी हैव द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स अब हमने कंपोनेंट्स के टाइप तो पढ़ लिए कि कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं अब इस कंपोनेंट के क्या फंक्शन होते हैं देखो हमने फंगस और एल्गी के यहाँ पे थोड़े फंक्शन को कंक्लूड किया है फंगस का फंक्शन होता है सबसे पहले प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी वो एल्गी को शेल्टर

किसी भी चीज के हम बोल रहे हैं कि भाई एक क्लास है वहां पे दो फ्रेंड्स रहते हैं वो जो दो फ्रेंड्स हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है वो आपस में अच्छे अच्छे से बात करते हैं या फिर उनमें झगड़ा चलता रहता है हमेशा तो वो रिलेशनशिप कैसा होता है हम जनरली दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपस में रहते हैं तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये भी हमें पता होना चाहिए तो यहाँ पे जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट है वो हेलोटिज्म शो करते हैं उनके रिलेशनशिप को जो पहला केस यहाँ पे बनता है जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं वो होता है हेलोटिज्म का केस मतलब कि स्लेव और मास्टर रिलेशनशिप बोलते हैं यहाँ पे स्लेव जो होती है वो एल्गी होती है और जो मास्टर है उसको हम फंजाई बोलते हैं अब रीजन क्या है कि हम एल्गी को स्लेव बोल रहे हैं बिकॉज जो स्लेव होती है वो हमेशा क्या करती है वो प्रिपेयर करती है फूड तो जनरली जो यहाँ पे एल्गी है वो एज अ कुक वर्क करता है राइट तो ये क्या करता है खाना प्रिपेयर करता है अपने लिए भी करेगा और फंजाई के लिए भी प्रिपेयर करेगा और एक मास्टर जो होता है यानी कि जैसे आप बोलते हो तो मास्टर कहने का मतलब है कि ये क्या है अपना इसने घर प्रोवाइड किया है टू एल्गी तो एलगी किसके घर में रहता है मास्टर के घर में रहता है यानी कि फंजाय फंजाय तो फंजाए एक तरीके से पूरे थालस का ओनर है और उसने एल्गी को थोड़ी सी जगह दे दी अपने घर में रहने की इसलिए हम फंजाय को मास्टर बोलते हैं और एलगी को स्लेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने लिए तो खाना प्रोड्यूस करता है साथ ही साथ क्या करता है फंजाय के लिए भी खाना प्रोड्यूस करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं ये रिलेशनशिप जो होती है स्लेव और मास्टर की रिलेशनशिप होती है जिसे बोला जाता है हेलोटिज्म ओके नाउ वी हैव सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कहते हैं वो होता है सेमी पैरासिटिक नेचर मतलब वो फुली पैरासिटिक नहीं है सेमी मतलब आधी उस पर क्या है वो एज अ एल्गी पे डिपेंड करता है अब यहाँ पे ये सेमी पैरासिटिक वर्ड हम लोग फनजाई के लिए यूज कर रहे हैं बिकॉज फनजाई कांट लिव विदाउट एल्गी बट एल्गी कैन लिव विदाउट फनजाई अगर आप लोग समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है तो देखो बात बहुत सिंपल सी है फनजाई क्या है वो हमारा हेड्रोट्रॉपिक है एलगी कैसा है वो ऑटोट्रॉपिक है एलगी के पास कैपेबिलिटी है अपना फूड प्रिपेयर करने की पंजाब के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है अपना फूड प्रिपेयर करने की तो फूड के लिए वो एलगी पे डिपेंडेंट है अगर बाई मिस्टेक क्या होता है हम लोग एक थैलस यानी कि एक लाइकन के थैलस की क्या है? करते हैं डाइसेक्शन करते हैं उसमें से फंगल कॉम्पोनेंट बाहर निकाल देते हैं और एल्गल कॉम्पोनेंट सेपरेट करते हैं तो एल्गी तो आराम से रह लेगा व इंडिपेंडेंटली वो फंजाई के बिना रह सकता है क्योंकि अपना खाना उसने खुद ही प्रोड्यूस करना है और खाना जो है वो एक बेसिक नीड है किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए तो एल्गी तो, एल्गी तो अपना रह लेगा लेकिन फंजाई किस पर डिपेंड रहे वो किससे फूड लेगा वो तो फूड अब तक जो जितने भी टाइम वो एल्गी के साथ रह रहा तो एल्गी ही उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा था तो फंजाई के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है फूड करने की इसलिए जो फंजाई होता है वो एलगी के बिना नहीं रह सकता है लेकिन एलगी के पास कैपेबिलिटी है कि वो फंजाई के बिना रह सकता है इसलिए हम वर्ड सेमी पैरासिटिक यूज करते हैं फंजाई के ऊपर दैट फंजाई सेमी पैरासाइट ऑन एलगी इन लाइक ओके टाइप मेंशन अबाउट द अदर टाइप्स जैसे इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं इस पर भी ऑलरेडी मैं एक लेंदी वीडियो बना चुकी हूँ आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ लाइक के बारे में यहाँ जनरली जो मैं टाइप्स मैंशन कर रही हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर तो तीन टाइप के लाइक देखने को मिलते हैं फॉलोज लाइकन फ्रूटिकोज लाइक लाइकन ठीक है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ की जो क्रस्टोस लाइकन होता है वो बिल्कुल अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है एमेडेड रहता है और फ्यूचर स्टेजेस में यहाँ पे जो भी चीज दिखती है वो जनरली क्या होती फ्रूटिंग बॉडीज होती है फ्रुक्टिकोस लाइकन के बारे में कहेंगे ऐसे लाइकन जो कि क्या होते हैं एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से एक पर्टिकुलर प्लांट में क्या होता है अटैच होते हैं और इनकी टिप पे क्या होता है फ्रूटिफिकेशन देखने को मिलती है राइट और फॉलियोज लाइकन कहेंगे ऐसे लाइकन जो बिल्कुल क्या होते हैं लीव्स की तरह देखने को मिलते हैं तो उनको हम फॉलियोज लाइकन बोलते हैं राइट नेक्स्ट वी हैव द थैलस टाइप तो एलगी में दो टाइप के थैलस देखने को मिलते हैं एक होता है होमो आइसोम और एक होता है ये दोनों ही थैलस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं ये भी आप चेक कर सकते हो फिर भी थोड़ी डिटेल में अगर आपको बताऊं तो होमो आइसोमैरस होता है जहाँ पे फंजाई फंगल और जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल एक मिक्सड बैनर पर इंटरविंगल मैनर पर प्रेजेंट रहते हैं और अगर हिट्रोमैरस के बारे में कहेंगे तो यहां पर जो एलगी और फंजाई होते हैं वो फोर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जहां पर एक लेयर एल्गी की होती है और बाकी की तीन लेयर कौन बनाता है

जो लाइकन्स है यहाँ पे जो एसेशुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ये चार मेथड के थ्रू होता है सोरेडियम इसीडियम सेफलोडियम और पिकनीडियोस्पोर इन चारों को ही मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है राइट इन दैट वीडियो अगला आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो देखो लाइक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है दो मेथड से इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ आप चेक कर सकते हैं एक होता है डेथ एंड डिकी ऑफ थैलस और दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन राइट देन वी हैव द सेक्शुअली प्रोडक्शन इन लाइकन यू कैन ऑल्सो चेक अबाउट दिस वीडियो मैं सारी वीडियोज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप फिर भी प्ले लिस्ट लाइक के अंदर जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स पसंद आते तो आई होप कि वो भी आपकी जरूर कोई ना कोई हेल्प करेंगे राइट right? तो सेक्शुअली प्रोडक्शन जनरली क्या होता है कि सेक्ली प्रोडक्शन सिर्फ फंगल कॉम्पोनेंट शो करता है कभी भी एल्गल कॉम्पोनेंट सेक्चुअली प्रोडक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि जो फंगल कॉम्पोनेंट होता है उसके पास फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट रहती है ये फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स प्रोड्यूस करती है जो आगे जाके क्या बनाते हैं हाइफ़े बनाते हैं जब ये हाइफे किसी सूटेबल एलगी के कांटेक्ट में आता है तो फाइनली ये लाइकन के थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं ठीक है तो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि फंगल कॉम्पोनेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन एल्गल कॉम्पोनेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहां पे जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्पर्मोगोनियम बोलते हैं और जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको कार्पोगोनियम बोलते हैं ठीक है अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप वाली वीडियोज में जाकर चेक कर सकते हैं यहां पे जस्ट मैंने एक समरी लिखी है बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं राइट नेक्स्ट आई मैं अबाउट द फ्रूटिंग बॉडीज तो जो लाइक होते हैं वहां पे दो टाइप की फ्रूटिंग बॉडी देखी जा है एक होती है एपोथीसिया और एक होती है पेरिथीसिया एपोथीसिया मतलब होता है कि जब फ्रूटिंग बॉडी का शेप कैसा होता है डिस्क लाइक होता है ठीक है इस तरीके से देखने को मिलती है हमारी कुछ फ्रूटिंग बॉडीज हो जाती है लाइक दिस तो आपने देखा होगा ये बिल्कुल डिस्क की तरह है सॉसर शेप की फ्रूटिंग बॉडी है तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोथीसिया और इस तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी आ जाती है फ्लास्क लाइक तो इसको हम बोलते हैं पेरीथीसिया ठीक है ये चीज समझ में आई कि एपोथीसिया डिस्क लाइक फ्रूटिंग बॉडी होती है पेरीथीसिया लाइक फ्रूटिंग बॉडीज हो जाती है एट लास्ट आई मेंशन हियर अबाउट द दे आर पाइनरी स्पीसीज मतलब जो लाइक होते हैं उनको हम पाइनरी स्पीसीज बोलते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन तो जनरली जो लाइक होते हैं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है आपने देखा होगा कि एक बेयर रॉक जो होता है एक यानी कि एक ऐसी रॉक जहाँ पे लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे जो पहला स्पीसीज ग्रो करता है ना वो लाइकन होता है इसलिए हम उसको पायनर स्पीसीज बोलते हैं बिकॉज ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके बाद आप कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसिस भी यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं अगर आपका लेंदी क्वेश्चन में आता है अबाउट द जनरल कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ लाइकन जिसपे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ आप जाके वहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी चेक कर सकते हैं लाइकन्स की एट लास्ट आई एम मैंशन अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकन्स नाउ सी दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर लाइक तो ऑलमोस्ट मैंने 15, 16 एग्जाम्पल्स आप लोग के यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं जो भी आपको अच्छे से याद हो आप एग्जाम में आके लिख सकते हैं तो एटलीस्ट फाइव टू सिक्स एग्जाम्पल आप लोग को याद करने हैं आउट ऑफ दिस 15. चाहो तो सब याद कर सकते हो नहीं चाहो तो बस पाँचें याद करो आपकी मर्जी है ठीक है तो यहाँ पे मैंने जो एग्ज़ैपल्स uh, हैं उनको कुछ एक अल्फोबेटिकल मैनर पर अरेंज किया है लाइक एल फॉर लेसीडिया लेकिनोरा लिथारिया सी फॉर क्लेडोनिया सिस्टोकोलस एंड कोलेमा आराम से याद हो जाएंगे कोई भी लिख दो एक एक दो दो याद कर लो इट्स योर विश पी फॉर पार्मेलिया एंड फाइसिया जी फॉर ग्राफिस गायरोफोरा एंड आर फॉर राइजोकार्पोन एंड रेकोडियम ये सब लाइकन्स के एग्जाम्पल है राइट इसके बाद क्या हो जाता है कुछ स्पेसिफिक लाइकन जिसका कुछ ऐसे मुझे ऐसेज मिल नहीं रहा था तो उसनिया जेंथोरिया एंड श्रिग्यूला

फूड में क्या यूज होता है फॉर्डर के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस क्या होती है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है क्या डिसएडवांटेज होते हैं तो आप जस्ट एक छोटे से समरी के फॉर्म में ये एडिशनल पॉइंट लिख सकते हो मैंने यहाँ पर मैंशन इसलिए नहीं किया बिकॉज मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ सो आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द जनरल करेक्टरस्टिक्स ऑफ लाइकन इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू